हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज जो हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यहाँ पे हमारा थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री। तो जनरली यहाँ पे हम 90 डिग्री तक ही देखते हैं, उसके बाद हम जाएंगे तो हमें कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे वैल्यू कैसे फाइंड आउट होता है इसका। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, टेबल बना हुआ है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालें, फिर 30 डिग्री का निकालें, 45 डिग्री का निकालें, 60 डिग्री का निकालें, 90 डिग्री का निकालें, तो क्या वैल्यू होगा और कैसे निकाला जाता है ये देखते हैं। तो पहले लिख लेंगे, आप क्या लिखेंगे यहाँ, जैसे सपोज करिए 0 लिख लिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, इसको क्या करते हैं, हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं सब में। ठीक है, ओके। अब 4 से डिवाइड करने के बाद इसका रूट ले लेते हैं, सबका रूट ले लेते हैं। ठीक फ्रेंड, अब रूट लेने के बाद देखिए, इसको अगर 0 में किसी से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 1/4 है, तो इसका जब वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि नीचे 4 है। ठीक है, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3/4 का क्या हो जाएगा, 2 रूट लेंगे तो। ठीक है, और यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, 1 का रूट 1 ही होता है। ठीक है, और इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 0, इसको जो करते हो इसको 1 का रूट लेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 1/√2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा √3/2, और ये 1। ये किसके लिए था हमारा, ये हमारा साइन के लिए। ठीक है, साइन थीटा, जहाँ पे थीटा को क्या हो सकता है, 0 डिग्री, यहाँ लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वैल्यू जो हमने निकाल रखा है यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या पहला 0 डिग्री के लिए क्या है, 0 है, तो यहाँ पे आप 0 लिख लेंगे, और इसके 30 डिग्री के लिए क्या था, यहाँ देख सकते हैं 1/2, 1/2 लिख लेंगे, 45 के लिए 1/√2 है, ये लिख लेंगे, 30 डिग्री के लिए √3/2 है लिख लेंगे, 90 के लिए कितना होता है, जैसा यहाँ निकाल रखे हैं कितना है, 1। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। अब 1 लिखने के बाद क्या करते हैं, यही चीज, तो इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद इसी का अगर उल्टा कर देंगे तो कास का सब हो जाएगा, तो इसको 1 को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और इसको 3/2 लिखते हैं। ठीक है, और इसको 1/√2 ही लिखते हैं, और इसको क्या हो जाएगा, 1/2, और ये यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, यहाँ देखिए टेन थीटा इक्वल टू sin θ/cos θ। ठीक है, तो साइन थीटा में 0 का वैल्यू कितना है, 0 है, और कॉस थीटा में 0 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 0/1 क्या होता है, 0/1 क्या होता है, 0 हो जाता है, तो यहाँ 0 लिख लेंगे, और ऐसे ही इसको सॉल्व कर ले, आप जब सॉल्व करेंगे तो आज क्या आ जाएगा, 1/√3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो √3 आ जाएगा। अब इसको देखिए कैसे, 10 90 डिग्री अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा की जगह पे, जैसे कि यहाँ देखिए आप, क्या हो जाएगा, 10 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 90 डिग्री / cos 90 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू sin 90 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए 1/cos 90 का वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 क्या होता है, ये अपरिभाषित होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्फिनिटिव, ठीक है। अब यहाँ अब ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो कोसेक थीटा का वैल्यू भी इन्फिनिटिव आता है, और 30 का 2 आता है, और कोसेक 45 का आता है अंडर रूट 2, और ये आ जाता है 2 अपॉन अंडर रूट 3, और ये क्या हो जाता है 1, ठीक है। ऐसे सेक में निकालेंगे तो सेक 0 डिग्री का मान ये 1 आ जाएगा, और सेक 30 डिग्री का मान 2 अपॉन अंडर रूट 3 आ जाएगा, और ये अंडर रूट 2 आ जाता है, ये 2 आ जाता है, ये इन्फिनिटिव, ठीक है। ऐसे इसका निकालेंगे तो ये इन्फिनिटिव आ जाएगा, ये अंडर रूट 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3, और ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। तो चलते हैं एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक्चुअली किताब से पर्सनावली लिख देता हूँ, पर्सनावली 8.2 का है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, कैन निम्नलिखित के मान निकालिए। तो पहला है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, यहाँ जाएंगे cos में और 60 डिग्री पे जाएंगे तो 1/2 होता है, नहीं सॉरी क्या निकालना है, sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे साइन में चलेगा जाएंगे, उसके बाद 60 डिग्री पे कितना है, अंडर रूट 3/2, ठीक। तो यहाँ लिख लेंगे अंडर रूट 3/2, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है, cos 30 का वैल्यू देखेंगे कितना है, cos 30 डिग्री का वैल्यू अंडर रूट 3/2, ठीक है। तो अंडर रूट 3/2 प्लस से प्लस लगा देंगे, sin 30 डिग्री का मान कितना है, sin 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो 1/2 लिख लेंगे मल्टीप्लाई, cos 60 डिग्री का मान देखते हैं, cos 60 का मान 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे। अब इसको कर लेंगे क्या सॉल्व, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा, अपन नीचे करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आप आ जाएगा नीचे 4, ये आ जाएगा 3 प्लस 1 इजक्वल टू 4/4 इजक्वल टू 1, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा 1/1, ठीक है। तो ये आपका ये आ जाएगा आंसर। सो आई होप समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।